सीबी फिल्म्स और क्रिएटर लैब के बैनर तले बन रही फिल्म दबंग सरकार एक अलग जॉनर की फिल्म होगी जो भोजपुरी सिने प्रेमियों की एंटरटेनमेंट की नई दुनिया में ले आएगी। ऐसा मानना है फिल्म के निर्देशक योगेश मिश्रा का, जो इस फिल्म के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना कदम रखना जा रहे हैं। उनका दावा है कि ये फिल्म दर्शकों के अलावा फिल्म क्रिटिक्स को भी काफी पसंद आएगी। बता दें कि भोजपुरी फिल्म दबंग सरकार की शूटिंग अगले साल यानी कि जनवरी 2018 में शुरू होने वाली है। इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग लखनऊ में होगी, साथ ही उन्नाव और गोरखपुर के कुछ लोकेशंस पर भी फिल्म के कई सीक्वेंस शूट किए जाने की तय की गई है। इस फिल्म के निर्माता दीपक कुमार कहते हैं कि दबंग सरकार का कैरेक्टर अभी तक भोजपुरी सिनेमा में नहीं देखने को मिला है। इसमें हमने दबंगई और सरकार को मिक्स कर एक अलग कहानी बनाई है। फिल्म में उस आम आदमी की कहानी है, पहले कुछ पाने की जद्दोजहद में जो रहता है और उसके हाथ में पावर आती है तो वो सब कुछ कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। हालांकि दबंग सरकार के लिए सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को साइन किया गया है, जबकि बाकी कास्टिंग पर काम चल रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए अभिलाष की रिपोर्ट।